गाइस आप सभी का हमारे सीजन नॉलेज चैनल में स्वागत है। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गाइस, अगर आपका अकाउंट फेसबुक से कनेक्ट है तो उसको मोबाइल नंबर से कैसे जोड़ोगे फेसबुक से हटा करके, और अगर आपका मोबाइल नंबर से अकाउंट बना हुआ है हेलोयो एप्लीकेशन का तो आप अगर उसमें नंबर चेंज करना चाहते हो तो वो किस प्रकार से करोगे। गाइस आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ, और गाइस बताऊँगा कि अगर आप एक ईमेल से अगर दूसरी ईमेल पर अपनी आईडी को ले जाना चाहते हो तो वो कैसे लेके जाओगे। गाइस आज की इस वीडियो में आपको ये सब कुछ बताने वाला हूँ। तो गाइस मैं करूँगा आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब, और गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए गाइस बिना कुछ देरी के करते अपने वीडियो को स्टार्ट। जैसे कि आप देख रहे हो मैं आगे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर आने के बाद गाइस आपको सिंपली करना क्या, आपको चले जाना अपने हेलोयो एप्लीकेशन में। जैसे कि मैं हेलोयो एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ, ओपन करने के बाद यहाँ पर कुछ आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा। तो गाइस यहाँ पर आपको सिंपली करना क्या है, आपको यहाँ से चले जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको इस प्रकार के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, नोटिफिकेशन सेटिंग, प्राइवेसी सेटिंग, और यहाँ पर आपको एक अकाउंट बिल्डिंग का ऑप्शन मिलेगा। तो इसी पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर, फेसबुक और गूगल, ट्विटर। तो गाइस यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरा जो अकाउंट है वो फेसबुक से कनेक्ट है, यहाँ पर आप देख रहे हैं फेसबुक और बाउंडिंग। तो यहाँ पर जैसे मैं वाइंड वर्क क्लिक किया तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको शो हो जाएगा। यहाँ पर मैं अनबिंड वर्क क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के यहाँ पर बिंड नाउ पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर ही इसको ये इस प्रकार से इसको अलग किया, और गाइस ये फेसबुक से अगर आप इसको हटाना चाहते हो तो गाइस यहाँ पर आप अपना नया नंबर डालिए और अपने मोबाइल नंबर पर इसको ले सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर अपना ये मोबाइल नंबर टाइप कर देता हूँ, और मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद गाइस यहाँ से सेंड वेरिफिकेशन पर क्लिक कर देता हूँ, और सेंड वेरिफिकेशन पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास OTP आएगी, और OTP आने के बाद गाइस वो OTP यहाँ मैं डाल दूँगा, टाइप कर दूँगा, और टाइप करने के बाद इसको जो है नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करूँगा। तो चलिए बने रहिएगा वीडियो को लास्ट तक, देखते हैं अभी मैंने यहाँ से वेरिफिकेशन कोड सेंड किया है जो कि मेरे पास आएगा, वो OTP आएगा, और वो जैसे ही आएगा मैं यहाँ पर भरूँगा, और भरने के बाद इसको नेक्स्ट करूँगा। चलिए जब तक आने देते हैं उसको मैं करता हूँ वीडियो को स्किप, तब तक आपका आकर दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड आ गया और इसको मैंने टाइप भी कर दिया। टाइप करने के बाद गाइस नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देता हूँ मैं। जैसे ही मैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करूँगा तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो इस प्रकार का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, दिस फोन नंबर हैज़ बीन बाउंडेड विथ एनअर हेलोयो। तो गाइस मैं आपको बता दूँ ये जो नंबर है ये अन्य किसी आईडी पर लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये नंबर नहीं लगेगा। यहाँ पर गाइस मैं आपको बता दूँ यहाँ पर आपको अपना फ्रेश नंबर ही लगाना है, जो कि भी गाइस आप लगाना चाहते हो वो यहाँ पर आपको फ्रेश नंबर ही लगाना होगा, तभी आप यहाँ पर जो है अपना मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हो, और गूगल की आईडी या फेसबुक की आईडी या ट्विटर की आईडी आप अपने मोबाइल नंबर पर इस प्रकार से ले सकते हो जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया। चलिए गाइस फिर भी मैं इसको क्या बताऊँ आपको, नहीं लेना चाहूँगा मैं अपने मोबाइल नंबर पर, मेरा फेसबुक से कनेक्ट है तो मैं उसी पर रखूँगा, बाकी अगर आपको करना है तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। मैंने बताया गूगल और ट्विटर और फेसबुक की आईडी इस प्रकार से आप अपने मोबाइल नंबर पर ले सकते हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।